प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल और टीचर हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। एक और सरकार स्कूल चले हम अभियान चलाकर हर बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक बच्चों के मन में इतना डर भर देते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से इनकार करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो कटनी जिले से सामने आया है, जहां शासकीय हाई स्कूल की शिक्षिका बच्चों को सजा के रूप में मुर्गा बना रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कितने बच्चे फेल हुए, कितने कम नंबर क्यों आए, हाथ में झड़ी लिए एक शिक्षिका तल्ख लहजे में छात्रों को फटकार लगा रही है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कक्षा में कई बच्चे मुर्गा बनकर बैठे हुए हैं। दरअसल यह वीडियो कटनी जिले की रीठी तहसील स्थित शासकीय हाई स्कूल बिरोहली का है। वायरल वीडियो में कई छात्राएं और छात्रों को शिक्षिका ने मुर्गा बनाया हुआ है। वीडियो में शिक्षिका बच्चों को परीक्षा में कम नंबर पाने की वजह से डांटती भी नजर आ रही है। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जितने बच्चे फेल हुए अभी हमें अभिभावक से साइन करवा के लाएंगे कि हम लोग दो दो नंबर और चार चार नंबर पाए, ठीक है। जी कल पैसे ले आए वो भाई लेके आनी है पैसे। क्या नाम है? संसलिया का नाम है। रीठी तहसील के शासकीय हाई स्कूल बिरोहली के इस वीडियो में शिक्षिका छात्राओं और छात्र को सजा के रूप में मुर्गा बनाती है। जब इस मामले में शासकीय मिडिल स्कूल बिरोहली के शिक्षक से बात की तो उनका कहना है कि यह पूरा स्कूल एक ही स्थान पर संचालित होता है, लेकिन यहां की गेस्ट टीचर राखी बिचपुरिया द्वारा हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ बुरा व्यवहार करती है। सर ये वीडियो ऐसा सुनने में आया है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और मुझे भी तथाकथित बच्चों से और यहाँ वहाँ से पता लगा है कि कोई वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात है, उस पर जांच जारी है। तो बच्चे भी डरे सहमे से रह रहे हैं। हाँ सर, पूछा जाता है तो बता नहीं पा रहे, क्या बच्चों को इतना प्रताड़ित कर दिया है कि बच्चे भी अपनी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं? सर ये आप अभी जाकर बच्चों से पूछेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको देखने में पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। सर जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के बच्चों से चर्चा की तो उनका कहना है कि गेस्ट टीचर राखी बिचपुरिया द्वारा आए दिन बच्चों को सजा दी जाती है, बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। हाँ बताती है, उनको मारती है, मुर्गा बनाती है, चोटी खींच देती है तो उनका सर दर्द करता है। कई बार दीदी लोग कहीं शिकायत क्यों नहीं करती? उन फिर मारने लगती हैं, अगर धमका देती हैं अगर उन बताएंगी तो। अच्छा, ये हमेशा की बात है, कौन मैडम मारती है, कुछ ऐसा बताया उन्होंने? भोजपुरी में कई बार देखा सुना भी, और हमारी दीदी लोग भी बताती हैं। क्या बताती हैं दीदी लोग? कि मैम बहुत ज़्यादा मारती हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती हैं, और कई बार वो दूसरों को मारते मारते खुद को भी मार लेती हैं कि हमको, हम भी तो अपने को मारे हैं, अब घर में मत बताना। नाम तो नहीं पता। क्या क्या दिक्कतें होती है? मुर्गा बनाते हैं, मारती हैं पीठ में या फिर बाल पकड़ के खींचती हैं तो सिर दर्द करता है सर। कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि स्कूल के प्राचार्य द्वारा बच्चों से साफ सफाई भी करवाई जाती है और इसकी शिकायत किसी से भी करने पर डराते धमकाया जाता है। सर वहाँ टॉयलेट लड़कियों से साफ करवाते हैं और खूब मारते हैं, झाड़ू लेने जाते हैं तो
नहीं देते, कहते नहीं है हमारे पास, जाओ यहाँ से। कौन लगाता है वो? मौजी सर। क्यों, क्या ऐसा क्यों करते हैं? सर नहीं पता। और क्या क्या करते हैं आप? और हम पानी पीने जाते हैं, जब नहीं रहता तो फिर डांटते हैं। यस सर। सर नल भी जाते हैं, वो भी नहीं कर देते। क्या नाम है बताओ? लकी आदिवासी। आपको सही बच्चों के साथ ऐसा? यस सर। यहाँ पर मैम मैम और सर यहाँ पर अकेले तीन क्लास संभालती हैं, और दो भी सर मैम विज्ञान पढ़ाती हैं और सर सामाजिक विज्ञान। अगर मैम को टाइम मिल जाता है तो मैम इंग्लिश भी पढ़ाती हैं और सर भूगोल भी पढ़ा देते हैं। कौन सी मैडम है, क्या नाम है? लक्ष्मी गौतम, श्रीमती लक्ष्मी गौतम। और कोई पढ़ाने आता जिस तरीके से स्कूल से कोई टीचर आता हो पढ़ाने? नहीं, कोई भी नहीं आता। और अगर ये लोग नहीं पढ़ाते तो फिर वो क्लास खाली रहती है? हाँ, तो फिर मतलब पढ़ाई होती है मेरे यहाँ। हाँ, दोनों जो टीचर हैं यहाँ पे वो पढ़ाई कराई देते हैं। हाँ, दो विषय की करा देते हैं, बाकी की नहीं हो पाती। वैसे पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि बच्चों को सजा देने का मामला पहली बार सामने आया है, इसकी जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ठीक है, तो हाई स्कूल में जो भी प्राचार्य हैं वहाँ उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे जो भी इसका प्रतिवेदन लेकर के, और फिर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम उसे उस पर कार्रवाई कराएंगे। उसमें नाम हटाना और जोड़ने का काम करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो डाइस देखिए वो एकीकृत शाला है, वहाँ माध्यमिक विद्यालय भी है उसी कैंपस में, तो वो एक परिसर एक शाला है, तो एक परिसर एक शाला के अंतर्गत जो है हाई स्कूल और जो माध्यमिक विभाग है वो दोनों मिल करके, और उनको साथ में काम करना है, एक साथ जो है छठवीं से दसवीं तक की वहाँ कक्षाएँ लगती हैं, लेकिन उनको पढ़ाना है। आपको भी आवेदन दिया है? अब उसमें कुछ वो डाइस कोड का मामला है तो उसको हम दिखवा लेंगे, उसमें वैसे काफ़ी उसमें पत्राचार हुआ है, फिर भी हम उसको जो है फाइनल जो भी उसका सलूशन होगा उसको निकाल लेंगे। पढ़ाने का जो मामला है वो कभी भी हाई स्कूल के जो टीचर है कभी भी मिडिल में नहीं आते हैं, ये भी शिकायत कई बार आ चुकी है, उस पर भी अभी तक नहीं। देखो, एकीकृत शाला में ये नियम होता है कि जैसे मान लो वो छठवीं से दसवीं तक शाला है तो उसका एक टाइम टेबल बनेगा, एक रजिस्टर रहेगा, एक जो उसका जो मतलब हेड है, जैसे वहाँ प्राचार्य है तो प्राचार्य उस संपूर्ण कैंपस का वो मुखिया होगा और उसी के निर्देशानुसार जो है सभी लोग काम करेंगे। गौरतलब है कि एक और प्रदेश सरकार बच्चों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है, दूसरी ओर शिक्षक वह शिक्षिका के इस तरह के व्यवहार और प्रताड़ना के चलते बच्चे स्कूल जाने से भी कतराते हैं। फिलहाल देखना होगा कि जांच के बाद संबंधित अधिकारी किस तरह का एक्शन लेते हैं।